Welcome friends to Learn HTML Web Page Development. Today our topic is Use Hyperlinks in our Web Page. तो आज हम देखेंगे कि Hyperlinks या Link हम कैसे ऐड करते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि Link क्या है. जब हम HTML में कहते हैं Link या हम कई बार कहते हैं पेज से ये चीज़ लिंक कर दो, तो उसका मतलब क्या है. तो हमें डेफिनेशन ही है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो उसमें क्या ऐड हो गया, हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्स जो होता है उसका काम है हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना, एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना. वो हमारा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या हमारा वो नेक्स्ट पेज भी हो सकता है. कई बार हम दूसरे वेब पेज का हम लिंक नीचे दे देते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस दूसरे वेब पेज पे भी जा सकते हैं. जब हम उसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं, जहाँ लिंक दिया होता है वहाँ पे लिखा होता है क्लिक दिस और क्लिक हियर. ओके, तो वहाँ पे एक कई बार माउस जो होता है वो हाथ क्लिक में दिखाता है कि अब हम यहाँ जा रहे हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में हो, कई बार वो इमेजेस में भी होता है और दूसरे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी होता है. तो आप इमेज को क्लिक करेंगे तो आप उस जगह की इमेज के बारे में नॉलेज को ले लेंगे. ज़्यादातर आप ये देखते हैं जब हम इंडिया के टूरिज़्म के वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप देखिए आप फ्लाइट का पे पिक्चर बना होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर चले जाएंगे, उसकी दूसरी पेज ओपन हो जाएगी. तो ये भी क्या हो गया, हमारा लिंक हो गया. ओके, हम इसका सिंटेक्स देखते हैं. हम इसका है ए टैग ए आर ई एफ फिर यू आर एल फिर ए टैग जो है बंद हो गया. अब यहाँ पे ए जो है हमारा लेस देन मोर देन साइन के अंदर लिखा हुआ है. इस ए का मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब होता है एंकर. एंकर टैग डिफाइन करता है, ये एक एलिमेंट है. उसके बाद है हमारा एचरेफ, माना रेफरेंस कर रहा है. इसको रेफरेंस कर रहा है तो ये एट्रीब्यूट हमें वेब पेज का रेफरेंस कर रहा है. कौन सा वेब पेज, जो उसके आगे हमने लिखा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वहाँ लिख दिया facebook.com और google.com. ओके, उसके आगे मैंने लिख दिया क्लिक हियर और फिर मैंने एंकर टैग को बंद कर दिया. तो क्लिक हियर जब मैं करूँगी तो वहाँ पे google.com पे मैं अपने आप जाऊँगी. तो ये इसका सिंटैक्स है जिसको आप याद कर लीजिए, एंकर टैग. उसके बाद हमें इसी तरह से लिखना है. ओके, ए रेफरेंस यू आर एल और ए टैग बंद. कई बार हम ऐसा नहीं लिखते, हम सिर्फ जो है बस लेस देन मोर देन साइन के अंदर हमारा ए एच आर ई एफ हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस और हमारा यू आर एल लिख देते हैं, तो भी हमें वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे मार्क हो जाता है, उसका डिफरेंट कलर हो जाता है. जो हमने कलर ना होगा तो डिफ़ॉल्ट में वो कलर हमारे पास ब्लू कलर आ जाएगा. ओके, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे इसकी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं. चलिए कोडिंग करके देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, हमारे सामने हमारे टैग सेक्शन टैग रेडी है. अब इसमें सिर्फ हम अपना कोडिंग करना शुरू करते हैं. स्टार्ट करते हैं, हम हेड के बीच में टाइटल लिख लेते हैं. पहले हमने हमारा टाइटल लिख लिया है, एग्जांपल ऑफ हाइपर टेक्स्ट लिंक. वैसे हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये लिंक ही होता है, हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट लिंक. फाइल को हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस. हमारा फाइल था एग्जांपल ऑफ हाइपर लिंक .html. हमारा फाइल टाइप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है.
अब हम यहाँ पे अपनी बॉडी भी लिख लेते हैं। हम या तो हम एक काम करते हैं, पिछले हम बॉडी ले लेते हैं, बॉडी में जो हमने हेडिंग लिखा था, पैराग्राफ लिखा था, हम वो सब ले लेते हैं। ओके, हमने पिछली बार जो इंसर्ट इमेज किया था, हमने वो वाला पार्ट यहाँ पे पूरा का पूरा लिख लिया है। उसमें हमारे स्टाइल्स, हमारा ब्रेक टेक और हमारा इमेज जो था वो भी इंसर्ट है। अब हम यहाँ पे हमारा हाइपर टेक्स्ट का हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं, क्योंकि हमारा आज मेन है हाइपर टेक्स्ट कैसे हम लिंक करते हैं, या दूसरे पेज पे हम मूव करने के लिए हम किस तरह से उसका कोडिंग लिखते हैं। हमारा सिंटेक्स है ये, रेफरेंस दिया हाइपर टेक्स्ट का, यहाँ पे हम चाहे तो जैसे लास्ट पेज हमने किया था वो था हमारा सेव हुआ था, उसको देख लेते क्या था, किस नाम से सेव था हमारा, इंसर्ट में भी ये हमारा था इमेज विथ विड्थ एंड हाइट। हम यहाँ तो इसी को ओपन कर लेते हैं। हम इस लिंक पेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एंकर टैग हमने बंद कर दिया। ओके, फाइल को सेव, इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। इसका प्रीव्यू है और आप देखिए नीचे क्लिक हियर करके हमारा पेज आ गया है। या तो हम गूगल से दूसरा एक ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेचर का ये करके रखा हुआ है। हमें कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल से इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी करके ले लिए ये लिंक, सेव कर लिया। अब आप फिर इसका प्लगइन करके देख लीजिए, आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कैसा है। क्लिक हियर, ओके, आपने वहाँ पे क्लिक की तो ऑटोमेटिक वो जो हमने गूगल से पेज लिया था वो नहीं पहुँचा। ओके, तो आपने देखा ये कैसे हम लिंक करते हैं। तो लिंक करने के अलग अलग तरीके हैं। हम सिंपली इस तरह से भी हम URL को जो है लिंक कर सकते हैं, या तो हम पिक्चर्स के साथ लिंक कर सकते हैं, या तो हम उसे अलग से किसी और टेक्स्ट के साथ या लेटर के साथ भी उसको लिंक करके हम उसको दिखा सकते हैं। जब हम आगे जाकर वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक शब्द पे क्लिक करते हो तो वो शब्द जो है आपको आगे लेके जाता है। आप कोई साइक्लोपीडिया वगैरह देखते हैं गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि हर जगह पे एक डिफरेंट कलर में लेटर्स लिखे होते हैं।
आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर चले जाएंगे। तो वो हर चीज़ को इस तरह से वहाँ पे वेब पेज को लिंक कर दिया जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से है, इसमें हमने क्या क्या किया। हमने पुराने ही प्रोग्राम को लिया लेकिन इसमें हमने लिंक लगाया। लिंक ने क्या काम किया, हमारे इस पेज से उस पेज पे हमें जंप करके लेके गए। हमारा जो वेब पेज था यहाँ पे क्लिक हियर आया, जब हमने इस पर क्लिक किया तो वो कहाँ हमें लेके गया, नेक्स्ट पेज पर उसने क्या किया, जंप की। तो इसी तरह से हमारा ये हाइपर लिंक काम करता है और यही हाइपर लिंक है, इसका मीनिंग ही यही है, इसलिए इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, ओ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसका जो हमने कोडिंग किया है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यदि आपको उसमें से कुछ पूछना हो कुछ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूँ। थैंक यू।